अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। इस चैनल पे मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे। आज वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों, मैं सुबह सुबह जब उठा, व्हाट्सएप ओपन किया और एक स्टेटस देखा तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक, ये मुद्दा आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बनारस इससे खाली हो रहा है। जी हाँ, वो मुद्दा क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त संगठन रोकेगा बुनकरों का पलायन। बीच में दोस्तों एक छोटा सा ऐड 10 सेकंड का मैं आपको देना चाहता हूँ, ये कि मैंने चाय पत्ती की एक शॉप खोली है, चाय लवर्स के नाम से। मैंने होम डिलीवरी की भी सुविधा रखी है, तो जिस भाई को चाय पत्ती का ऑर्डर करना है वो मुझे नीचे दिए हुए नंबर, जो नंबर आ रहा है यहाँ पे, व्हाट्सअप करें और ऑर्डर करें। आपको बनारस में कहीं भी होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी और कई रेट में हमारे यहाँ चाय पत्ती अवेलेबल हैं। मैं डायरेक्ट दार्जिलिंग द्वार असम से चाय पत्ती मंगाता हूँ और यहाँ पर सेल करता हूँ। आपको अगर मेरी शॉप पर आना है तो ये एड्रेस भी मेरा दिया हुआ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बुनकरों का पलायन इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और वो बैंगलोर और सूरत जैसे सिटीज़ में जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर उनको ज़्यादा अर्निंग हो रही है, इसलिए वो यहाँ से उठकर वहाँ चले जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है, ये सब तो हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे और दूसरे लोगों के पास भी जाएंगे जो बड़े बुनकर हैं और जो बुनकर कमेटी के सदस्य बने हुए हैं, जो बुनकर तंजीमें हैं उनके पास भी जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुनकरों का पलायन क्यों हो रहा है, क्यों आखिर जहाँ बुनकरों का हब माना जाता है बनारस जैसा शहर, वहाँ से लोग जा रहे हैं दूसरे शहरों में, और क्या वजह है कि दूसरे शहरों में उनको ज़्यादा अर्निंग हो रही है और बनारस में कम अर्निंग हो रही है, जबकि यहाँ 2400 घंटे मशीन चलती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। गिरस्ता से मजदूरी बढ़ाने की मांग, ये सबसे पहले लिखा हुआ है। समाज सेवी संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन के कार्यालय उस्मानपुरा में बुनकरों के बिजली फ्लैट रेट की पुनः बहाली और बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरी बढ़ाने के लिए संयुक्त संगठनों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बिजली के फ्लैट रेट की पुनः बहाली में देर क्यों, इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि गिरस्ता से मजदूरी बढ़ाने की मांग। उसके नीचे जो सारांश लिखा हुआ है उसमें ये लिखा है कि ये जो ये बैठक हुई इसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई कि आखिर 2 सालों से जो मामला रुका हुआ है बिजली की पुनः बहाली का, बिजली की जो फ्लैट रेट की पुनः बहाली का है, वो अभी तक क्यों रुका हुआ है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। आगे पढ़ते हैं। चर्चा के दौरान बैठक में मौजूद जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब ने बताया कि बुनकरों को पिछले 2.5 साल से सिर्फ वादे पर वादा हुकूमत कर रही है, ऐसे में बुनकरों को एक बार फिर मजबूरन आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा और सरकार से अपनी मांग मनवानी पड़ेगी। वही दौरान बैठक में मौजूद जनाब मकबूल अंसारी साहब ने मजदूरी के विषय पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अब मजदूर वर्ग को एकजुट होना चाहिए। ये चीज़ें, इससे पहले आपने देखा था कि कितना ज़्यादा आंदोलन हुआ था। बुनकर जो तंजीमें हैं, 14 के सरदार हैं, सारे लोगों ने आंदोलन किया था और नतीजा क्या हुआ, नतीजा आज तक सामने नहीं आया है। जो जिस विषय पर आंदोलन हो रहा था, बुनकरों के जो बिजली की फ्लैट रेट की पुनः बहाली का, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई नतीजा नहीं आया, यानी कि वो जो आंदोलन हुए थे वो बेकार हुए हैं अभी तक। लेकिन आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ है कि अभी तक बुनकरों की मशीनें चल रही हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्या जहां से रोका गया है वहां से यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाएगा, या फिर अभी तक का फ्लैट रेट से लिया जाएगा और आगे यूनिट से लिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोई रिजल्ट, कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। गिरस्ता को मजबूर करना होगा, बुनकर मजदूर वर्ग को महंगाई के इस दौर में अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए उन संगठनों का समर्थन करना होगा और उनके साथ ही मजदूरी की बात करनी होगी और मजदूरों को जागरूक करने के लिए संयुक्त संगठनों के द्वारा पोस्टर बनवाया जाएगा और लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। संयुक्त संगठन इस दौरान बैठक में मौजूद इदरीस अंसारी साहब ने कहा कि अगर बनारस के कारीगरों की मजदूरी बढ़ जाती है तो लोग बैंगलोर और सूरत कारावार की तलाश में नहीं जाएंगे, भटक रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगे, वह लोग बनारस में ही अपने परिवार के साथ रोजगार करेंगे, उनके दूसरे शहरों में भटकना नहीं होगा। इस दौरान बैठक में शामिल रहे मकसूद अंसारी साहब, जो लोग थे उनका नाम है आगे, तो बताना ये चाहता हूँ कि ये जो दो टॉपिक पर बातें हुई है, पहला मजदूरी और दूसरा
दूसरी जो बात हुई है वो बिजली की पुनः बहाली की, फ्लैट रेट की पुनः बहाली की जो बात हुई है, ये दोनों टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों टॉपिक को हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों की वजह से कहीं बुनकरों के लिए परेशानी ना आ जाए, चाहे वो गिरस्ता हो चाहे वो कारीगर हो। अगर गिरस्ता मजदूरी नहीं बढ़ाता है, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, क्या सिस्टम से चलता है बुनकारी का ये कारोबार, लेकिन अगर गिरस्ता मजदूरी नहीं बढ़ाते हैं और इस तरीके से पलायन होता रहता है, इस तरीके से पलायन होता रहा आगे फ्यूचर में, तो कहीं बनारस में मजदूर वर्ग खत्म ना हो जाए और जो पावर लूम यहाँ पे हैं कहीं वो बंद ना पड़ जाएं। और दूसरी बात जो बिजली की फ्लैट रेट की पुनः बहाली का है, अगर ये पुनः बहाली नहीं होती है तब भी ऐसा ही होगा और बुनकरों का पलायन जारी रहेगा। ये दोनों टॉपिक जो हैं, ये दोनों मुद्दे जो हैं, हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों की वजह से कहीं बनारस में बुनकारी का कारोबार खत्म ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे बुनकर तंजीमों के पास, बुनकर के सरबरा के पास जाना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये दोनों मुद्दे हल क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से बुनकर यहाँ से पलायन करके वहाँ जा रहे हैं और इसका क्या हल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।